देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिल और हाजिर दिमाग लोगों को सायमा कंवल और वीनस टीम की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर हफ्ते मैं आपके लिए बहुत मुनफरिद और खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आऊँगी, जिसमें सॉन्ग भी होंगे, गपशप भी होगी और निजी ज़िंदगी पर भी बात होंगी, जिसमें हमारी पूरी टीम में हमारे म्यूजिशियन, हमारे फ़नकार, हमारे गुलूकार। और इस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। तो यकीनन मेरे साथ मेरा साथी फनकार, होस्ट, सिंगर आमिर खान नियाज़ी। तो उनसे सलाम लीजिए, फिर मैं आप लोगों का फनकारों से तारुफ कराती हूँ। जी तो नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के रंग, मैं हूँ आपका अपना होस्ट आमिर नियाज़ी। आज आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हमारे खूबसूरत स्टार, ये आपको राइट साइड पर नज़र आ रहे होंगे, उस्मान शेख और हुमायूं खान, और हमारी खूबसूरत सी टीम है। आज देखेंगे, सुनेंगे, तो इस जैसा प्रोग्राम मैं यकीन से कहता हूँ आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत मजा आएगा, एंड तक देखना। हमारे साथ टीवी स्टार मौजूद है उस्मान शेख वसीम साहब। कैसी हैं उस्मान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों बताएं। बेहद शुक्रिया, आपने अपने टाइम, कीमती टाइम से टाइम निकाला और हमें दिया। कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दूसरे फनकार हैं हुमायूं खान अब्बासी। जी, कैसे हैं? ये हमारे खूबसूरत फनकार सिंगर हैं। मैं बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, और बहुत अरसे से इनको मैं जानता हूँ, ये आए हमारे लिए रौनक बख्शिए। थैंक यू सो मच। बल्कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ऑडियंस को भी बहुत मजा आने आज आपसे गाने मजे मजे के सुनेंगे, को सुनने वालों को मजा आएगा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे किन से सीखा आपने? मैंने काफ़ी लोगों से क्लासेस ली हैं म्यूज़िक की। पहले मैं अब्दाबाद में सीखता रहा हूँ, मेरे जो सबसे फर्स्ट टीचर थे मेरे म्यूज़िक टीचर राहिल अब्बास। बिलोंग करते हैं जी, जी हम फ्रॉम अब्दाबाद। उसके बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल में म्यूज़िक क्लासेस ली हैं, जिसमें आमिर भाई भी, उनके साथ भी हमारा काफ़ी टाइम अच्छा गुजरा है जी। तो अभी यही जनरली, और सीखने का आपको पता है अमल कभी जिंदगी खत्म नहीं होता जी। हाँ, जब हम लोग सीख जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी छुट्टी हो जाती है। एग्जैक्टली, सीखने के बाद। भाई अभी कहीं से सीख रहे हैं? अभी नहीं, मैं सीख रहा फिलहाल बस। अच्छा। अभी अपने कुछ जो है प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं मेरे, अभी कुछ वीडियो शूट्स हैं, कुछ हो चुके हैं ऑलरेडी और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अभी आप लोगों के सामने आएंगे। और कुछ ऑलरेडी मेरे आ चुके हैं गाने जो YouTube वगैरह पे और सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। सही सही सही, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और बहुत खूबसूरत हमारी गपशप चल रही है हुमायूं से। अब मैं बढ़ती हूँ थोड़ा उस्मान की तरफ। तो जी उस्मान, आजकल बस कुछ निजी चैनल के लिए ड्रामास वगैरह चल रहे हैं, उसी में बिजी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत लग रही हो पहले की तरह, हट्टी कट्टी। हाँ, एक्चुअली मैं कुछ अरसे से ऑफ पे थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब वजन बढ़ी गया है तो थोड़ा घूम फिर आते हैं। अभी मेरा प्लान है कुछ बाहर जाने का, टर्की शर्की तरह घूम फिर आऊं। क्या बात भाई, एक दफा वेट बढ़ गया है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो घूम फिर आते हैं, फिर आके तो जिम करना ही है, डाइट करनी है, पाके करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है अभी चलने दो जैसा चल रहा है। अच्छा, गुड गुड। उस्मान शेख, अपनी फैमिली में आप पहली हैं या आपसे पहले भी कोई था? एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो हुई पीटीवी से। एक एड आया था, उस पे मम्मा गई थी ऑडिशन देने। तो मम्मा की सिलेक्शन हो गई, बट वो ड्रामा नहीं बन सका। तो मैं उस टाइम स्कूल में, आपकी वजह से या मामा की वजह से? नहीं नहीं, वो ड्रामा वैसे ही नहीं बना। तो इस तरह पीटीवी के रास्ते खुल गए, तो आना जाना शुरू हो गया। वहाँ बच्चों का शो होता था, तो अब मैं 8-9 क्लास में थी, अब ना मैं बच्ची थी ना मैं बड़ी थी। सर, तो उन्होंने मुझे, ये बचपन ही होता है, बच्चा ही होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया शो में। उन्होंने कहा कि ये बड़ी है, ये बच्चों के शो में नहीं बैठ सकती, और मुझे बैठना था और मुझे गिफ्ट जीतने थे, जैसे कि बच्चे होते हैं लालची थोड़े, मैं भी थी। तो उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है, एक दिन मैं करूंगी, स्टार बन के दिखाऊंगी। हाँ, देखो नाज़रीन, कोशिश जारी रखी, और आज माशाल्लाह इस सीट पे मौजूद है, हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान की जानी मानी स्टार है। इसने हर शोबे में काम किया है, घरेलू भी है, घरेलू लड़की है बिल्कुल, और आजकल तो टिकटॉक पे छाई हुई है, जो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने एक ऐप है, कैमरा पकड़ा और सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो सारे न्याजी साहब ने भी आजकल यही काम शुरू किया, और अच्छे लग रहे होते। मैं तो एक महीने से अभी टिकटॉक पे आया हूँ, तो एक महीने से भी इतने, लेकिन जब फुर्सत मिलती है तो मैं करता हूँ, वैसे इतना टाइम नहीं होता। अभी इंशाल्लाह आपको आगे देखने को मिलेगा,
हुमायूं भाई अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा बस म्यूजिक चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ ट्रैक्स पे काम चल रहा है, कुछ वीडियो शूट्स हैं जो इन प्रोसेस हैं, और इंशाल्लाह देखिए अभी आगे काफी ज्यादा प्लान्स हैं मेरे आगे। आपने किनको देख के ये इस फील्ड में कैसे आए आप? किनको देख के? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वैसे आपका। अच्छा, पहले मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो मैंने एक्टिंग से लिया था। शौक था एक्टिंग का, कभी मैंने ऐसा एज सच प्रोफेशनल एक्टिंग कभी की नहीं, ना ही मुझे लगता मैं कर सकता हूँ। खैर, शौक था पहले, उसके बाद आता था वो कन्वर्ट होते होते सिंगिंग में आ गया। ठीक है। और सिंगिंग में जो सबसे जो मुझे जिन्होंने इंस्पायर किया वो थे राहत फतेह अली खान साहब, फिर उनके बाद मेहदी हसन खान साहब। तो इन लोगों को सुनते सुनते बस शुरू में तो कोशिश ही करते थे, ऐसे ही गाते रहते थे, बेसुरा बेताला जो था, लेकिन करते करते फिर हमें एक लाइन मिलती गई। समझ आ गई। जी जी जी। तो आज बस ये कि थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। अभी भी को देखें, इस फील्ड में तो इंसान कभी भी उस्ताद बन ही नहीं सकता। बिल्कुल परफेक्ट। आपका भी कंप्लीट नहीं होता है ना। तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहता है आपका। तो बस उसी में अभी हम भी कहीं ना कहीं बीच में मौजूद है। आज क्या सुना रहे हैं हमें? मैं चाहूंगा कि स्टार्ट हम एक कलाम से करें। ठीक है। अरफाना कलाम। जी जी। मन कब आता है मौला अली की, उससे मैं स्टार्ट लेता हूँ। कहते रहे या अली,
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, जबरदस्त कलाम। इसका मतलब है कि यंग जनरेशन में सीखने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इस कलाम को इतनी खूबसूरती से आपने पेश किया, तो जी नाज़रीन कैसा लग रहा है आप लोगों को ये प्रोग्राम, और कैसे लग रहे हैं हम लोग, कैसी लग रही है हमारी गपशप, और कैसी लगी है हमारी हीरोइन। तो अब हम छोटी सी ब्रेक पे जाके वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस खूबसूरत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उज़्मा शेख से कुछ गपशप लगाते हैं। जी उज़्मा, यार कभी कभी ऐसा भी होता है उज़्मा कि जो लोग कम खाते हैं ना वो भी हेल्दी होते हैं, कुछ हाँ। मेडिकल इश्यूज होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ लेकिन मैं पंजाबी हूँ तो मुझे लगता है कि हमें बचपन से खाने का बहुत शौक होता है। वैसे हम लोगों ने ना पंजाबियों को बदनाम किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में सब शौकीन है माशाल्लाह। कराची वाले भी कुछ कम नहीं है, बहुत हाँ। खाते हैं। अच्छा मैं कराची वाले खाते हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं है, वो बिल्कुल सूखे होते हैं, पता नहीं उनका खाना कहाँ जाता है, लगता है स्टोर कर देते हैं। उसमें ये देखिए पख्तून पठान माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लोग, कादवार मतलब औरतें उनकी बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो खाना लस्सी से भी खाएं तो फिर भी हेल्दी होते हैं। हाँ। पंजाबी तो थोड़े चटोरे होते हैं ना। हम लोग तो बहुत ही चटोरे होते हैं, पराठे, आलू के पराठे और ये सब तो नाश्ते में चाहिए चाहिए ना। वैसे आपको अब पराठे की नीड है नहीं फिर आउट ऑफ कंट्री जा रही हो तो फिर बस वो एक्चुअली पराठे का सारा ऑयल यहाँ आ गया ना, इसलिए मैं इतनी चमक रही हूँ, लेकिन क्यूट लग रही हूँ। थैंक यू। अच्छा आगे कोई ऑन ईयर ड्रामा बताएं आप। ऑन ईयर अभी दो तीन है, अभी वो ऑन ईयर नहीं हुए। अच्छा। अभी सिर्फ काम चल रहा है क्योंकि अभी अच्छा। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी स्लोली स्लोली करके। और अपना सबसे कोई फेवरेट काम हमसे डिस्कस करें। सबसे फेवरेट मुझे लगता है कि मुझे अभी तक नहीं मिला जो मैं, मतलब एक होता है ना एक आर्टिस्ट का कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो अभी नहीं किया, अभी नहीं मिला। अच्छा ऐसा कौन सा होना चाहिए? अब मुझे उमराव जान अदा का करेक्टर करना है। क्या बात है, वैसे वो वाली नजाकत दिखानी है। हाँ वो मुझे पसंद है लेकिन उसके लिए मुझे बहुत लूज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उज़्मा, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं हमारे साथ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना भी परफेक्ट और अच्छा से अच्छा काम कर लें तो हम अपने काम से मुतमइन नहीं होते, लेकिन जो देखने वाले होते हैं ना तो मुझे तो कहते हैं सामा आपका फलाना ड्रामा आया, फलाना कमर्शियल आया, ये आया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला पता नहीं मेरी इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, बट अपने काम से इंसान कभी भी मुतमइन नहीं होता। आर्टिस्ट तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो इससे ज्यादा बेहतर कर सकता था और वो नहीं कर पाया, क्योंकि जब हम ऑन एयर देखते हैं तो हमें फील होता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते थे क्योंकि हमारे अंदर है वो चीज। सही बात। और ये सब आर्टिस्ट में हो, सिंगर हो, न्याय साहब है माशाल्लाह सिंगिंग में, हाँ वो चाहे सिंगर हो चाहे आर्टिस्ट हो माशाल्लाह, उस मतलब उस्तादों के सीखे हुए, और फोक का इसका कोई सानी नहीं है, मतलब है हमारे कराची में तो और अब तो माशाल्लाह और फील्ड में भी कदम रख लिया है। अच्छा। बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, उसके बाद जो है अब होस्ट और दूसरी बार प्रोडक्शन। अच्छा हाँ। मौसीकी देखें बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें सीखते 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 उम्र बीत जाती है। तो हुमायूं खान आप मुझे आपसे सवाल करूंगा, जो मेरे से सवाल किए जाते हैं मैं आपसे करूंगा कि खुशी का सबसे बड़ा लम्हा म्यूजिक की फील्ड में कब आया आपको? अच्छा जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बात की कि आर्टिस्ट कभी भी अपने आप को परफेक्ट अपना काम नहीं लगता इंसान को कभी भी परफेक्ट। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे हमारे साथ भी है। देखें 10 से 12 साल हो गए इस फील्ड में लेकिन आज तक अभी भी हमें
कहीं ना कहीं यही होता है कि नहीं यार थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है ना, इसको हम और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम अपनी 3-4 साल पुरानी अगर कोई वीडियो अगर हम देख लें अपनी, तो एक अजीब सा फील होता है यार हम पहले कैसा गाते थे यार पहले कैसा हमारा टोन था क्या था सब, तो वो बड़ा एक ऑकवर्ड सी भी फीलिंग आती है ना कभी कभी, नज़र आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर अभी लगे हुए, और जो आपने जैसे बताया कि सबसे आपने पूछा कि सबसे खुशी वाला मोमेंट, तो वो मेरे लिए ये था कि जब मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गाना गाया था, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी ये देखने की कि मेरा वोकल किस तरह आता है माइक में ना, किस तरह आता है, क्योंकि मैं मुझे तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए थे गाते हुए, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला लाइव स्टूडियो विजिट करने का। जी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं जी, फर्स्ट सॉन्ग की। तो उस सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की थी कि जब मेरा वोकल निकल के आएगा सामने तो उसके बाद कैसा लगेगा ना, वो कैसा साउंड करेगा। इंसान को फर्स्ट टाइम होता है कि अपने आप, क्योंकि देखिए लाइव आप गाने में कुछ हो रहे हैं, जो स्टूडियो में निकल के आता है वो एक थोड़ा सा अलग दुनिया, जी वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, टेक्निक भी इतनी आ गई है ना कैमरों में, साउंड में, फिर आप लोगों में मतलब इतना सीखने के साथ दूसरों को देख के, तो वो मेरे ख्याल में पहले ये फिनिशिंग नहीं थी, बहुत बड़े लोग थे जो गाने वाले और कम थे, आज चैनल बहुत ज्यादा है, फिर सोशल मीडिया आ गए, तो आप लोगों को मतलब मौका मिल रहा है हर जगह। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब पुराने दौर में इतनी नहीं थी, इतने चांसेस नहीं मिलते थे लोगों को, क्योंकि आजकल देखें हर टीवी प्रोग्राम पे कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई म्यूजिक का प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, कोई न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं सामने, कोई टैलेंट हंट शोज हो रहे हैं, तो पहले इतने नहीं थे मौके। लेकिन मैं अब यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि देखें पहले ये था कि अगर मैं अपनी सिंगिंग फील्ड की बात करूँ, गाने वाले कम थे। अब आप ये कि हर गली में 3-4 गाने वाले हैं, हर घर में एक गाने वाला तो लाजमी होता है, तो अब आसानी तो जहाँ पे हुई है वहाँ मुश्किल ज्यादा हो गई है, क्योंकि देखिए अब इस फील्ड में आगे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कंपटीशन हो गया। लेकिन जहाँ तक गाने वाले बहुत है ना, तो सुनने वाले भी इसी तरह है, सुनने वाले लिसनर अच्छे मिल गए, जी 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 निकल पड़ी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आजकल के उस्तादों से आप मुतमईन हैं? ये तो मुझे मारना पड़वाए अमीर भाई, क्या बोलूँ उस्तादों को, उस्ताद तो खैर उस्ताद है। खैर मैं ये कहना चाहूँगा, देखें आजकल के जैसे हमने भी जाके म्यूज़िक सीखा ना, देखें डिफरेंट फील्ड्स होती है म्यूज़िक के अंदर भी, डिफरेंट कैटेगरीज है ना। अब होता ये कि इंसान कुछ और सीखने जाता है, अब एक बंदा आतिफ असलम गाने जा रहा है, उसको कोई लगा देता है, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या होता है एक ही लाइन पे लगा देते हैं, सबको एक ही करवा रहे हैं रियाज, ये नहीं देख रहे कि एक बंदा आगे जाना चाहता है एज अ प्लेबैक सिंगर, कोई जाना चाहता है एज अ गजल सिंगर, कोई जाना चाहता है एज अ क्लासिकल सिंगर, उसको एक ही ट्रेनिंग पे लगा देते हैं। कर दूं कि किसी भी उस्ताद से अकेले अकेले सीखना चाहिए, क्लास वाइज नहीं सीखना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये भी आपका ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि देखिए जब एक क्लास में 20-30 बच्चे होते हैं ना, तो जब वो सारे एक साथ आवाज लगा रहे होते हैं ना, तो किसी को समझ नहीं आती इसमें से कम सुरा कौन सा है, कौन बेसुरा जा रहा है, उसमें एक ऐसा बच्चा भी होगा जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में आया, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक एक साल से क्लासेस ले रहे हैं, तो वो जब सारी वोकल्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसमें सारी गलतियां छुप जाती हैं। तो जो नया बंदा है ना, उसके लिए बहुत बड़ा उसका लॉस है कि वो उस तरह सीख नहीं पाता, उसको ये नहीं पता लग रहा होता कि मेरा सुर कम लग रहा है या मैं लय से बाहर, क्योंकि जब सारे मिलकर कर रहे होंगे ना, जो सुर वाले होते हैं ना उनके साथ, अगर कोई सुर वाले के साथ आप भी गाएंगे ना, इसलिए आप भी सुर में। बात काटूंगी, ये नाजरीन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है जो हुमायूं आवाज उठा रहा है कि सबको जब क्लास दी जाती है तो किसी का सुर लय ताल ऊपर, बाकी तो न्याजी को पता है, मुझे म्यूजिक का इतना पता नहीं है, कि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो एक जो अलाप की आवाज होती है तो सब मिक्स हो जाते हैं, ना उस्ताद को समझ आती है ना शागिर्द को समझ आती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसका बेसिक जो बात है करने का मकसद ये है कि उस्ताद जो है एक एक बच्चे को टाइम दे। जी ये बात भी आपकी बिल्कुल आपने ठीक की है, लेकिन अब ये कि आपको अच्छा उस्ताद मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा अच्छा उस्ताद ढूंढने के लिए क्या किया जाए आजकल के नौजवान बच्चों के लिए? अच्छा उस्ताद ढूंढने के लिए एक तो मैं सबसे पहले कहूंगा सबसे बड़ा कैसे आपका उस्ताद जो है, हमने जैसे धक्के खाए वो भी धक्के खाए जाए कैसे देखिए आजकल तो चीजें ना बहुत आसान हो गई हैं, तो सबसे बड़ा उस्ताद आपका यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, सबसे पहले तो आप वहां से जाके सीखें। लेकिन कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि आपको लाइव लेनी पड़ती है फेस टू फेस बैठ के ना, तो वो भी लेना बहुत जरूरी है। अब हमने भी देखिए इसी तरह सीखा है, कुछ खुद गा गा के कुछ उस्तादों के पास बैठ के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है ना, आपका एनवायरनमेंट इस तरह का अच्छा है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है आपका वो अच्छा गाने वालों का है, मैं तो न्यू कमर्स को यही कहूँगा कि अपना फ्रेंड सर्कल इस तरह का बनाएं कि अच्छे अच्छे सुर में गाने वाले लोग हों। यकीन करें मैंने ज़्यादातर जो मुझ में इम्प्रूवमेंट जो मैंने फील किया ना, वो अपने दोस्तों के साथ रह के किया। अच्छा, क्योंकि वो इतना अच्छा गाना, उनको देख देख के मैं कहता था ये जगह मुझे भी लगानी चाहिए, मुझसे क्यों नहीं लग रही। अच्छा आपने बहुत छोटी एज में आपने सीखना शुरू किया, कम से कम क्या एज थी आपकी?
I was like 14 years maybe. अच्छा अब आजकल आपकी जो मतलब आप जो एज है, कुछ लोग तो इस फील्ड में जो आ रहे हैं जैसे अताउल्ला ईसा खैलवी हमारा जी, बहुत जी, बड़ा पाकिस्तान का नाम, तो वो कहता है लोग कहते हैं उसके जुबानी भी सुना है कि उसको इश्क हुआ था, आपका कोई इस तरह का रुझान क्योंकि एज भी ऐसी है? नहीं जी, अब मैं क्या बताऊँ आपको यहाँ पे, बताना तो चाहिए ना, ये बता तो सकते हैं। देखिए इश्क जो होता है ना आपका, सबसे बड़ा वो मेरा ख्याल है कि आपकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ना उसके साथ ही होना चाहिए। अच्छा। तो मेरा तो इश्क इस टाइम में म्यूजिक ही है और वो शुरू से था भी। सही, ठीक है। तो अगर इससे इश्क करेंगे तो जरूरी है ना। हाँ वो तो आगे बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इससे ज्यादा इश्क किया जाए ना तो आई गेस आप किसी ना किसी जगह पहुंच सकते हैं। वो जिस इश्क की आप बात कर रही है ना उसमें तो अक्सर लोग सकते हैं, तो डबल इश्क हो जाता है वो, बढ़ा हाँ, बढ़ जाता है वो इश्क, अगर हो जाता है सफर साथ हो और साथ दे इस चीज में। हाँ आप तो इसी बात के साथ उज्मा की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन आप ने, आपने इश्क किससे किया है, मतलब एक्टिंग से किया है, फैमिली से किया है या किसी तीसरे से किया? इश्क का तो पता नहीं, इश्क तो हमारे बस में नहीं है, वो तो कागजात हो ही जाता है, लेकिन मोहब्बत कर लेते हैं, छोटी मोटी मोहब्बत तो कर ही सकते हैं। अच्छा छोटी मोटी, वैसे ये छोटी मोटी कितनी है, मतलब कितने रिश्तों से है? वैसे तो जैसे नॉर्मली घर वालों से होती है, लेकिन एक मोहब्बत होनी चाहिए, आपके काम में बहुत निखार आता है इससे। सही बात है। हाँ बहुत जरूरी है एक और सबसे खूबसूरत मोहब्बत जो है, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, मेरी माँ समेत, और जिनकी नहीं है उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो मैं समझती हूँ कि माँ का है। हाँ, माँ बाप का है ऑफ कोर्स, लेकिन जो मोहब्बत माँ बाप से होती है वो आपको बाहर हाँ, किसी और से नहीं। दिल एक छोटा सा हमारा बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसने हर रिश्ते को समा के रखा हुआ है, हर रिश्ते की एक अलग जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए मोहब्बत करना जरूरी है और एक दफा दिल तोड़वाना भी बहुत जरूरी है। आपका एक बार टूटा है? ऐसा मेरा एक ही बार टूटा है, ताकि वो अच्छे तरीके से मेहनत करे। नहीं मेरा एक ही बार टूटा, मैं दूसरी बार मौका नहीं दिया, मैंने कहा नहीं। अच्छा, अब तुम तोड़ने की कोशिश करती? नहीं अब मैं ठीक है, चलने दो, जो चल रहा है खेलना है। अच्छा है ना, खेल कूद अच्छी होती है जिंदगी में, रौनक लगी रहती है। सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको म्यूजिक से कितना लगाव है? म्यूजिक बस मुझे सुनना पसंद है, मैं गा नहीं सकती। किस तरह का म्यूजिक मतलब? मैं ज्यादातर स्लो म्यूजिक सुनती हूँ, गजल सुनती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरी शुरुआत हुई थी पीटीवी से, नाम ले सकते हैं ना? हाँ, अच्छा। तो बिग चैनल से मेरी हाँ। शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे मैं एक शो करती थी म्यूजिक का, क्योंकि मैं उस टाइम ज्यादा बात नहीं कर सकती थी, मैं होस्टिंग नहीं कर सकती थी, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी जब मैं शुरू शुरू में आई। तो उन्होंने मुझे एक शो दिया, उसमें बस एज अ डमी बैठना होता था और तानपुरा जो है वो उसकी एक्टिंग करनी होती थी। तो बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे प्ले करना आता है तानपुरा, जबकि मुझे नहीं आता। तो वहां मैं बैठती थी, उससे पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक में, मतलब वो ही बच्चों की तरह दूसरे गाने फजूल टाइप के सुनना, शोर शराबा। तो जब मैं वहां जाने लगी तो मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स को सुना और मुझे फिर गजल्स में ज्यादा दिलचस्पी हो गई। तो मैंने फिर मेरा थोड़ा है जॉब थोड़ा पुराना बुड्ढो वाला, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छा हमारा ये है नहीं साहब कि मैं तो अपने मूड पे सॉन्ग सुनती हूँ, गा नहीं सकती लेकिन अपने मूड पे सॉन्ग सुनती हूँ कि किस तरह का मूड हो रहा है। अभी नाजरीन बहुत देर से हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना एक खूबसूरत सा और गाना सुना जाए। हुमायूं भाई क्या सुना रहे हैं? सॉन्ग खमाज, हाँ शफकत अमानी अली साहब का जो ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। नहीं आए, चल हमें नहीं आए।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वाकई भाई साहब उस्तादों का सीखा हुआ बच्चा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त गाया, बहुत जबरदस्त। तो जी नाज़रीन, आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम पे। हम चाहते हैं कि आप लोगों की खुशियों में थोड़ा सा इजाफा कर सके, क्योंकि इस तरह सैड जिंदगी है और इस मिक्स जो प्रोग्राम है, साथ म्यूजिक चल रही है, गपशप चल रही है, हंसी मजाक चल रही है, तो ये जितनी भी हमारी टीम मेहनत कर रही है सिर्फ आप लोगों की तरफ। जी न्याय साहब, तो आप कुछ नहीं सुना रहे हमें? मैं सुनाऊंगा थोड़ी, हुमायूं भाई आए हैं तो पहले इनसे एक और सॉन्ग सुन ले, फिर उसके बाद मैं भी सुनाऊंगा। मैंने वादा किया था मैं सुनाऊंगा आपको, तो आज इंशाल्लाह जरूर सुनाऊंगा। लेकिन अभी कुछ गुनगुनाने की फरमाइश करते हैं। उज़्मा से ये है कि जब आप कोई पसंदीदा एक गाना बताएं। हाँ, हल्का सा गुनगुना। मैं गुनगुना नहीं सकती, मैं गाना बता देती हूं। बता दें जी। हाँ, बता लेकिन फिर आप गाएंगे। बता दें, मैं नहीं गाऊंगा तो कोई तो गा लेगा। बताएं। मुझे वैसे जरा गजल पसंद है। कौन सी बताएं? उसके लिए फिर आपको इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इंतजाम कर लेंगे, आप बताएं। काश ऐसा कोई मंजर होता। ये किसका कलाम है, कुछ पता? हरे रंज की गजल। अच्छा, भाई याद है? नहीं जी, मैं ऐसी चीजों को छेड़ता ही नहीं हूँ। चले इसको, इनकी मैंने कभी ये इतना सुनी नहीं है गजल। अच्छी गजल है बहुत, मैंने दोस्तों के मुझे काफी फरमाइश सर आंखों पे, वो एक ना एक प्रोग्राम में हम जरूर ऐसा सिंगर बुलाएंगे जो गजल वाला होगा, तो वो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन तो रहना, तो मैं थोड़ी सी गा सकता हूँ। हाँ, दोस्तों के एक लाइन कर, एक लाइन तो ये मेरा परफेक्ट नहीं होगा वैसे। हाँ, इसमें कोई इतना थोड़ा सा ऊपर एक दूसरा। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, तेरे कंधे पे मेरा सर होता, काश ऐसा ऐसा कोई मंजर होता।
इसको मैं आगे नहीं छेड़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल गजल है। आपकी फरमाइश पूरी हो गई, अब हमारी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। नहीं अच्छा, ये मुझे इसलिए पसंद है कि ये मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है, इसलिए मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। सही सही। अच्छा, आंखों में नमी क्यों, क्या चीज याद आई? पुरानी यादें। नहीं पुरानी यादें नहीं, अभी की यादें। चीजें हैं जो इंसान चाहता है कि हो जाए और वो जब वो नहीं होती तो थोड़ा दिल हो जाता है। कुछ नाजरीन से शेयर करना चाहोगी, क्या हुआ ऐसा कि एक आर्टिस्ट की आंखों में हमारे जो चाहने वाले, हमारे अपने, हमारे बहन भाई, हमारी फैमिली, वो आंसू कभी भी नहीं देख सकते? ऐसे लोग क्यों धोखा देते हैं, मुझे बताया जाए। नहीं, धोखे की बात नहीं है, कुछ चीजें जिंदगी में ना हासिल रह जाती हैं। अच्छा, तो उनका कुछ दुख होता है इंसान को, बाकी धोखे देने वाली बात नहीं है। धोखा देके मरना किसी ने मुझे? अच्छा। ये भी सही है, ये भी सही, ये ला हासिल मोहब्बत का दर्द है। चले जबरदस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत करे कि वो ला हासिल हासिल हो जाए। नहीं, अगर ला हासिल हासिल हो गई तो उसकी वो अहमियत खत्म हो जाएगी, तो वो ऐसे ही ठीक है। अच्छा, ये मतलब आपकी जिंदगी का एक तल्ख लम्हा है। हाँ, जो आप साथ रखना चाह रही है, इसके साथ जीना चाह रही है। हाँ, और इसके साथ जीने में जिंदगी में ज्यादा सुकून है। इसके बगैर जीना और इसको भूल जाना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा तकलीफ देता है। शायद आपने वो जिंदगी उस एंगल से देखी ना हो। अगर वो मिल जाए, कोई चीज अगर मिल जाए, फर्ज कर कोई एक बिल्डिंग है और मुझे बहुत, मैं हसरत से उसको देखती हूँ, बहुत मुझे खूबसूरत लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मुझे अच्छी तो लगती है, बट ये मैं, मुझे मिल नहीं सकती, मेरी हो नहीं सकती। लेकिन कभी भी अल्लाह ने नहीं कहा कि आपने कोई चीज़ चाहिए है सच्चे दिल से और वो आपको ना मिले, तो आप उसको यकीनी क्यों नहीं बना लेती कि वो मुझे मिल सकती है? क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ से दूर किया है तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे लिए बेहतरी है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, जो अल्लाह पाक ही देख सकते हैं, तो वो हो सकता है मेरी जिंदगी के लिए बेहतर ना होता या ना होती मोहब्बत वो वाली। हाँ। तो और वैसे भी अगर बिल्डिंग की बात करें या उस इंसान की, हाँ, बात करें, अगर वो मिल जाता, हासिल हो जाता, तो उसकी वो अहमियत मेरी जिंदगी में कभी नहीं होती। उज़्मा शेख, सवाल कर सकता हूं? हाँ, हाँ, ईद के दिन कैसे गुजरते हैं? ईद के दिन एक आर्टिस्ट और आम लोगों में क्या फर्क होता है? ईद के दिन कहाँ गुजरता है? कोई खास फर्क नहीं होता। नाजरीन को बता दें, चांद रात में सुबह तक जाग रहे होते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं और दोपहर में उठते हैं, वो भी जब अम्मा आके उठा देंगे, बेटा उठ जाओ, आधी ईद तो गुजर गई है, उठो, कोई घर में मेहमान आए, देखो उन्हें। और मैं ईद पे तैयार होती हूँ शाम में, सारा दिन मैं माँ से बन के घूम रही होती हूँ, और मम्मी बोलती हाँ अब तो ईद खत्म होगी, अब तुम तैयार हो रही। मैंने कहा मम्मी वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाएंगे ना, फोटोज अपलोड करेंगे ना। देखिए नाजरीन, आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी होती है, उन्होंने आप लोगों के साथ भी रहना होता है, आप लोगों को भी खुश रखना होता है और अपनी फैमिली की सारी जिम्मेवारियां भी निभानी होती है। तो आप लोग उज़्मा शेख की जो बातें सुन रही हो, ये सच्ची खरी लड़की है, जो भी बोल रही है सच बोल रही है, आज तो वैसे भी अदालत में है। अच्छा, मैंने बड़ा नुकसान उठाया जिंदगी में सच बोलने पे। हाँ। कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधी बात। अच्छा, आप ये मेरा जवाब खा गई है, मैंने अदालत क्यों बोला? हाँ, क्यों क्यों बोला? क्यों, जिस जज के सामने बैठी हो ना, शायद इससे ज्यादा आपको कोई मीडिया में तो नहीं जानता होगा। हाँ, आप काफी ज्यादा जानती है मेरे बारे में, काफी ज्यादा, इसलिए मैं चुप करके बैठी हूँ कि कुछ झूठ ना बोलूं। हाँ, सच सच ही बोलूं। मैं इसीलिए बोला है कि जज के सामने बैठी हो तो जो भी बोलना है सच ही बोलना। हाँ। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ कोई बिजनेस भी कर रही है, हमने सुना है? हाँ, एक्टिंग के साथ साथ मेरा एक छोटा सा कैफे है, वो रन करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एक दिन कैफे खोलूं, जबकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कोई शौक भी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को खिलाऊं, तो इसलिए मैंने कहा। बहुत खूबसूरत बात इसने की, और लेडीज अगर इस चीज में आ जाए तो क्या बात है। वैसे घर में हमने हमेशा, हम औरतों ने कुकिंग की है और मर्दों ने खाया है, और बेचारे रेस्टोरेंट जितने भी खुले हैं तो मर्द काम करते हैं और औरतें किसी के पैसे उड़ा रही है, मियां के पैसे उड़ा रही है और खा रही है। अगर आप रन कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, औरत को हर फील्ड में आना चाहिए। हाँ, और बिजनेस, एक साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मर्द की या शादी की उतनी वो भी ज़रूरत नहीं रहती अगर आप अपना इंडिपेंडेंट है। बहुत लोग बोलेंगे कि गलत बोल रही है, लेकिन ये बहुत सही बात है। जो औरतें शादी करके और फिर 10-10 बच्चों के बाद भी रो रही हैं और उनको घर के खर्चे पूरे नहीं होते और 10,000 चीज़ें होती हैं, दिख रहा है माशाल्लाह हो रहा है। आजकल 10 बच्चे पैदा करने का वो रिवाज खत्म हो गया, ये बहुत हमारे पहले नानी दादियां करती थी। नहीं, अभी भी है कहीं। अभी इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आती हूँ, मुझे एक बात बहुत जोर से याद आई, फिर वो आपसे सवाल करती हूँ। जी नाजरी,
छोटी सी ब्रेक में जाते हैं और वापस आते हैं। छोटी सी ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हमारी बात चल रही थी उज़्मा शेख से। जी उज़्मा शेख, असल बात मैं ये करना चाह रही थी तुमसे कि शादी का क्या इरादा है? शादी का इरादा तो है, लेकिन अगर मुझे मेरे पसंद का आदमी मिल जाए तो ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के प्रेशर में शादी नहीं करना चाहती कि अब उम्र हो गई है तो कर लूँ। नहीं, कोई ऐसा मिलेगा तो ज़रूर। मतलब किसी को लारा लप्पा दे के रखा है? नहीं 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 नहीं, मैं लारे नहीं देती हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करती हूँ। कैसा होना चाहिए वैसे? कैसा होना चाहिए? जो मुझसे बहुत मोहब्बत करे, वो भी। वो तो सारी लड़कियां कहती हैं, लड़के भी यही कहते हैं। कोई खास? क्योंकि मुझे थोड़ा है इंटरेस्ट ऐसी चीजों में ना। नहीं मतलब एक घुमाए फिराए, डिनर पे लेके जाए। हाँ ऑफ कोर्स ये तो चाहिए, लाजमी है। पैसे वाला होना भी जरूरी है? होना चाहिए ऑफ कोर्स, पैसे बहुत जरूरी है। पैसे के बगैर। और आपको अपने काम से ना रोके? वो मुझे क्यों रोकेगा? मतलब जब वो काम करता है मैं नहीं रोकूंगी तो वो मुझे क्यों रोकेगा? वो मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे ऊपर हुकूमत करे। हाँ, कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खास साथ बात आ गई, कंधे से कंधा मिला के चले, ये ना बोले कि तुम कुछ नहीं करो। ये ना जी मैसेज है आप लोगों को मिल रहा है, रिश्ता कोई भी ला सकता है, अच्छे लोग, खानदानी लोग और पंजाबी लोग। हाँ रब्ता कर सकते हैं, कोई भी, पंजाबी भी नहीं जरूरी नहीं है, कोई भी। जी आप अब शादी का सिलसिले चल रहे हैं, बात चल रही है। हमारी भाई आपकी शादी हो गई है? नहीं, नहीं, आप भी कर ले। अच्छा क्या मतलब आपकी कोई है प्लानिंग आगे? आपके यहाँ क्या होता है, खानदान में होती है या बाहर होती है या कौन करता है? वो नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारी फैमिली में। ठीक है, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं है कोई प्लान। मतलब किस तरह की लड़की, अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की आती है तो किस तरह की लड़की हो? घरेलू हो या टिकटॉक वाली हो या सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, बस कुछ भी लड़की हो और जरा वेल एजुकेटेड हो। अच्छा। और वेल स्पोकन हो, वेल रिप्रेजेंटेड हो। बस ये चीजें सही होती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि कल कितना भारी हो। नहीं कच्चे तो चले कोई भी नहीं चल जाता है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई हूर परी हो। ठीक है, ऐसी हो जिससे नहीं, आपके साथ प्यारी होगी तो अच्छी लगेगी। आपके साथ प्यारी हो तो प्यारी अच्छी लगेगी। माशाल्लाह बहुत गुड गुड लुकिंग हो, बहुत प्यारी हो, माशाल्लाह बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। बस ये कि देखें सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ है ना। अक्सर लोगों को लगता है कि नहीं यार, अच्छा पहले तो लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है कि यार इसकी तो पहली बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। हाँ। जबकि कसम खुदा की मैं सिंगल हूँ। अच्छा, दो लोगों को प्रॉब्लम होती है, वहाँ लोगों को लगता है ना, अक्सर आधे लोगों को देख लगता है इसकी तो पहली होगी। नहीं दोस्ती जा रही है तो सबकी होती है ना, इसमें तो इनकार नहीं होना चाहिए। माँ बाप ने चाचे मामे ताए से पहले ही कुछ लड़की सेलेक्ट कर रखी होती है कि भाई बेटा आपने इधर उधर नहीं देखना और फला लड़की जो है हमने बोल के रखा हुआ है, लेकिन जब जवान हो जाएगी तो उसका रिश्ता लेके जाएंगे। ऐसा कोई सिलसिला है नहीं? असल में मैं पठान नहीं हूँ। अगर कुछ फैमिलीज में इस तरह होता है, सर मेरा नाम के खान लगता है तो लोग मुझे पठान समझते हैं, लेकिन पठान नहीं हूं। नहीं पठान तो एक लोग जो पठान लोग कहते हैं, मैं माजरत के साथ, जो पख्तून होते हैं ना वो एक लैंग्वेज है। जी। और इसमें नियाजी कास्ट है वो खान होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपके हजारे वाल बहुत ज्यादा है, खान है वो सारे, बहुत सारे यूसुफ़ज़ई वो खान है। तो ये अक्सर मुझे इस तरह पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो पठान हैं, अक्सर उनमें इस तरह ये है रिवाज, क्योंकि बचपन से ही तय कर दी जाती है ना। अच्छा। हाँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा सारे पठान ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझसे जो छोटा भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में, तो मुझसे जो छोटा है अभी उसका निकाह हुआ है। तीन भाई हम सिर्फ। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि मुझसे छोटा भाई उसका निकाह हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि यार छोटे का पहले क्यों हो गया? मैंने कि कोई ये लॉ तो नहीं है, कोई पहले छोटे का नहीं होता, पहले बड़े का ही होगा। हाँ। जब आपको मुझे लगता है कि जब आपको आपके टाइप की मिल जाए ना, तब तो आपको कर लेनी चाहिए। अच्छा।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हुमायूं खान आपका बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आपके सॉन्ग सुन के, आपकी मोहब्बत के, आपने हमें कीमती टाइम में से टाइम दिया और हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगा। उज़्मा आपकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी सी मुस्कुराहट, और बहुत अच्छा लगा आपके से बातचीत करके। हमारी जावेद साहब, हसन भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। हमारी सारी टीम का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो पीछे पर्दे के पीछे नजर नहीं आ रहे, जिनकी वजह से हम आपको नजर आ रहे हैं, सबकी मेहनत है इसमें, तो सबका। और आप लोग बताएंगे कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अभी कुछ एंड पे जो फरमाइश इनकी है वो मैं पूरी करूंगा। हाँ, बिल्कुल न्याजी साहब जो है, क्योंकि अपने कल्चर को, पूरे पाकिस्तान का वैसे कल्चर है फोक सिंगिंग, तो ये फोक सिंगर है और इससे बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जाते जाते सुनेंगे और न्याय साहब से पूछेंगे कि न्याय साहब क्या सुना रहे हैं। उससे पहले हम आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहेंगे, लेकिन पहले मैं न्याय साहब से पूछ लूं कि हमें फोक सिंगिंग में अपने कल्चर का कोई, अपने इलाके का क्या सॉन्ग सुना रहे हैं। जी जी, ये हमारा कल्चर का सॉन्ग है, ये मेरा अपना सॉन्ग है और इसको बहुत लोगों ने पसंद किया, तो वही मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको सुना दूँ, फिर आगे सुनाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो सॉन्ग साथ साथ एंड वे मैं सुनाता रहूंगा हर प्रोग्राम में, तो थोड़ा सा सुने जी नाज़रीन। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, न्याय साहब का सॉन्ग सुनिएगा, फोक सिंगर है और आपको फोक सॉन्ग सुनाएंगे। इस वक्त हम आप लोगों से, पूरी टीम की तरफ से सायमा कमल और मेरी पूरी टीम आप लोगों से इजाजत चाहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पहचान सदी मियां वाली शान सदी, एक पहचान सदी मियां वाली शान सदी, दिल दे असां बादशाह असां मियां वाली दे लोकां असां मियां वाली ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ।